हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। अगर आपके लैपटॉप का टच पैड काम नहीं कर पा रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो, आप सही जगह पर आए हैं। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। देखिए, अगर आपके लैपटॉप का टच पैड काम नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये आपके लैपटॉप के अंदर का ही फंक्शन है। उसको किस तरह से रिजॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा टच पैड है प्रॉपरली काम कर रहा है। बीच में आप जो कर्सर देख रहे हैं, ये एरो, ये मैं टच पैड को चला रहा हूँ और ये एरो यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखिए, अगर आपका ये टच पैड काम नहीं कर रहा है, एरो नहीं घूम रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली से आपको अपने पूरी जो आपके लैपटॉप की ये कीज़ हैं, की पैनल है, इसको पूरी तरह से देखना है। और ख़ासकर आपके ये जो ऊपर के F1 F2 कीज़ होती हैं, स्पेशली आप इन कीज़ पर एक बार नज़र दौड़ाएँ। तो मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। तो ये जो कीज़ हैं आपकी F1 F2 जैसी, तो इन पर आप फोकस से नज़र दौड़ाएँ। तो अगर आपको कहीं इस तरह के आइकन की मिलती है, F6 जो की पर है, इस तरह का आइकन अगर आपको मिलता है, तो आपने सिंपली इसको प्रेस करना है। और प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मुझे मिला है टच पैड इज़ डिसेबल्ड, तो मतलब अब आपका टच पैड काम नहीं करेगा। आप इसको फिर से प्रेस करेंगे तो टच पैड इज़ एनेबल्ड, मतलब आपका टच पैड काम करने लग पड़ा है। तो देख, तो इसको अगर प्रेस करता हूँ, ये एनेबल हो चुका है। तो अब जब मैं टच पैड पर कुछ भी करता हूँ तो मेरा कर्सर चलना शुरू हो जाता है। बस अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी हो वीडियो, अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, बाय।